हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो फ्रेंड्स आई होप आप सब अच्छे होंगे तो चलिए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर एक टेन थाउजेंड कैश प्राइज़ देने वाला हूँ ठीक है टेन थाउजेंड का गिव अवे मैं देने वाला हूँ तो उसके लिए आपको करना यह है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ठीक है तो जब आप कमेंट करेंगे तो आपकी एंट्री फाइनल हो जाएगी ठीक है आपकी एंट्री सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद मैं रेंडमली उसमें से चूज करूंगा ठीक है तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को शेयर कर दें वो मैं जो टेन थाउजेंड का की वे दूंगा जब मेरे ट्वेंटी थाउजेंड सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब मैं आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को दूंगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी तो फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका डिस्क्रिप्शन में पी डी एफ का लिंक दे दूंगा तो अगर आपको पी डी एफ डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टैनल टेलीग्राम चैनल को चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पी डी एफ डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरटी तो इसका ऑप्शन है प्रेपरेशन ऑफ रिजर्व स्पेसिफिक टाइगर कंजर्वेशन प्लान लेइंग डाउन ऑडिट रिपोर्ट रिकॉर्डिंग कंजर्वेशन बिफोर पार्लियामेंट अकॉर्डिंग अप्रूवल फॉर डिक्लेयरिंग न्यू टाइगर रिजर्व सो फ्रेंड्स इसका राइट right आंसर जो है डी पार्ट है ठीक है डी पार्ट देखते हैं मीन्स आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं तो इसके बारे में फ्रेंड्स आप डिटेल में पढ़ सकते हैं ठीक है वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं इतनी डिटेल आपको पढ़ा नहीं सकता तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियाटिक चीता एशियाटिक चीता इज ड्राइव टू इज बिलीव टू सर्वाइव टू ओनली इन चाइना इट इज़ क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंज स्पीशीज बाय द आई यू रेड लिस्ट एशियाटिक चीता विच वंस रोम्ड इंडियाज वास्ट फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन नाइनटीन सो इसका राइट आंसर है सेकेंड और थर्ड ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखनी थी सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है सी पार्ट तो एशियाटिक चीता जो है विच वांस रोम्ड इन इंडियाज वॉज फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड वॉज डिक्लेर्यड एक्सटेंट हर इन इंडिया में इसको नाइनटीन फिफ्टी टू में डिक्लेयर एक्सटेंड कर दिया गया था डिक्लेयर कर दिया गया था आफ्टर डिगेट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन हंटिंग एंड हैबिटेशन डिग्रेडेशन द आई यू सी एंड रेड लिस्ट क्लासीफाइज द स्पीशीज आज क्रिटिकली एंडेंजर ग्लोबली और इस समय एशियाटिक चीता जो है सिर्फ ईरान में पाया जाता है ठीक है और इसकी किलिंग क्यों होती है ठीक है क्योंकि इसका जो पोचिंग इसको पोचिंग फॉर स्किन ठीक है इसकी स्किन को पोच किया जाता है ठीक है बॉडी पार्ट्स एंड लाइफ ट्रेड इसका ट्रेड होता है तो इसलिए इसको मारा जाता है ठीक है चीतल आर फेयरली फेयरलीबल फ्रेंड्स ये पूरा पढ़ लें नेशनल एटलेस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बी पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक है के अंतर्गत आता है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है इज द प्रीमियर एजेंसीड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी एंड मैपिंग एंड एटलस कार्टोग्राफी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंगेज इन इसका काम क्या होता है प्रपेयरिंग डिफरेंट थीमेटिक मैप्स एंड एटलिस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल एंड मैने अदर मोनोग्राम्स द कंट्रीब्यूशन मेड बाय नेटमो इन डिवेलपिंग द थीमेटिक मैप डाटा इज बिंग रेगुलरली यूज बाई द डिसीजन मेकरस इन द एंटायर कंट्री एट डिस्ट्रिक्स एंड सब डिविजन ले ये मैप प्रपेयर करते हैं इसको डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूज किया जाता है फॉर इंप्लीमेंटिंग द डेवलपमेंटल स्कीम कि कहाँ पर क्या डेवलपमेंट लानी है तो उस उसको ये मैप देखकर उसके बिहार पे आइडिया लगाया जाता है कि यहाँ पर हम ये डेवलपमेंट कर सकते हैं बाईज रिसर्चर स्टूडेंट्स एंड कॉमन पीपल ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स टू थाउजेंड सिक्सटी इन सप्रेशन ऑफ द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स टू थाउजेंड इलेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स टू थाउजेंड सिक्सटीन तो इसका जो आंसर है पैन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी अथोराइजेशन बाई सी पी सीबीज इंट्रोड्यूस्ड कॉम्पैक्ट फ्लोरसेंट लैम्प एंड मर्करी कॉन्टेनिंग लैम्प हैज बिन रिमूव अंडर दूफ़ रूल्स स्टेट गवर्नमेंट मस्ट इन्श्योर से वर्कर्स इन्वॉल्व इन द डिमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग ऑपरेशन ऑफ तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर है सी पार्ट है वन एंड थ्री वन एंड थ्री स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंड वाली गलत है तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट एंड लैम्प जो होती है एंड सी एफ एल एंड मर्क्री कंटेनिंग लैम्प बॉट अंडर द परव्यू ऑफ रोड्स ठीक है क्योंकि ये काफ़ी जो फ्रेंड्स जब ये ये सड़ जाती हैं ठीक है थीके? जब ये वेस्ट हो जाती हैं तो फिर इनको डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है तो इसलिए इसके रिगार्डिंग इन्होंने पॉलिसी बनाई है प्रोविजन फॉर पैन इंडिया अथोराइजेशन ई पी आर अथोराइजेशन बाई सी पी सी बी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड रिप्लेसिंग द स्टेट वाइज ई पी आर अथोराइजेशन ठीक है अब ऑल इंडिया लेवल पर यथोराइजेशन हुआ करेगी द रोल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द रूल्स इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स इवाल्व्ड इन डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग ऑपरेशन ठीक है तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं ब्लू स्काई रिसर्च समाइम्स इन इन न्यूज इज रिलेटेड टू ब्लू स्काई रिसर्च जो है किसके रिलेटेड है तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है सी पार्ट है साइंटिफिक रिसर्च विदाउट ए क्लियर गोल ब्लू स्काई रिसर्च आल्सो कॉल्ड ब्लू स्काई साइंस इज साइंटिफिक रिसर्च है साइंटिफिक रिसर्च होता है इन डोमेन्स वे आर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आर नॉट इमीडिएटली अपेरेंट इट हैज बीन डिफाइंड एज रिसर्च विदाउट ए क्लियर गोल ठीक है इसका कोई गोल नहीं होता एंड कोई क्यूरोसिटी ड्रीवन साइंस प्रोपोन ऑफ दिस मोड ऑफ साइंस आरग्यू डट अन एंटीसिपेटेड साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज आर समाइम्स मोर वैल्यूएबल दैन द आउटकम्स ऑफ एजेंडा रिवन ठीक है तो इसके ऊपर वो साइंटिस्ट जो हैं रेंडमली कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं तो उसके मतलब करते करते कुछ अगर नई चीज़ डिस्कवर हो जाए तो उसको ब्लू स्काई रिसर्च बोला जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एपसिसिक एसिड ठीक है ए बी ए तो ए बी ए हेल्प्स प्रपेयर ए प्लांट फॉर विंटर बाय स्लोइंग ग्राउथ ए बी ए इन्श्योर सीड्स डू नॉट जर्मिनेट ड्यूरिंग विंटर ए बी ए इन्हीबिट्स ग्राउथ एंड क्लोजस टोमिटा ड्यूरिंग विंटर स्ट्रेस तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी फ्रेंड्स डी पार्ट वन टू एंड थ्री ये दिख नहीं रहा बट डी पार्ट जो हमारा है हमारा करेक्ट है वन टू एंड थ्री में ही स्टेटमेंट सही हैं तो फिर ए बी ए जो है ये हारमोन है मीन्स ये ग्रोथ को रोकता है ठीक <coughs> है सोल्यूशन डी है ठीक है एफसीसी एफसीड इनहिबिट्स ग्रोथ ग्रोथ रोकता है एंड क्लोजेस स्टोमेटा स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ठीक है स्टोमेटा बेसिकली अगर जो लीफ होता है उसके बीच में पार्ट्स होता है ठीक है उसके बीच में छोटे छोटे सेल्स होते हैं डेट इज कॉल्ड स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस इट आल्सो प्रमोट सी डोरमेंसी सीड डॉर्मेंस ओनली जर्मिनेट सीड्स अंडर गुड कंडीशंस ऑफ लाइट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर दी हाई लेवल्स ऑफ ए बी ए इन मेच्योरिंग सीड्स इनहिबिट जर्मिनेशन इंड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स डेट हेल्प सीड्स विस्ट एंड डिहाइड्रेशन ए बेवस प्रपेयेर ए प्लांट फॉर विंटर बाय स्लोइंग ग्रोथ स्लो कर देता है प्रिवेंटिंग न्यू ब्रांचेज नई ब्रांचेज नहीं निकलती फ्राम फार्मिंग एंड एनश्योरिंग सीड्स डू नॉट जर्मिनेट ड्यूरिंग विंटर ठीक है ए बी ए इज द की टू मैनी प्लांट प्रोसेस इंक्लूडिंग टू सर्वाइवल टैक्टिक्स इन चैलेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशन स्टेटमेंट गिवन बिलो आल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट नाइनटीन सेवनटी वन फर्स्ट स्टेटमेंट है अंडर द एक्ट एंड अबॉर्शन कैनॉट भी परफॉर्मड बेस्ड सोनली ऑन वुमन्स रिक्वेस्ट अंडर द एक्ट ए प्रेगनेंसी में टर्मिनेटेड विद इन ट्वेंटी वीक्स एंड अंडर द एक्ट ट्वेंटी वीक्स और ओनली विद द ओपिनियन ऑफ टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अंडर द नाइनटीन सेवेंटी वन एक्ट इवन प्रेगनेंट रेप विक्टम्स कैन नाट अबाउट आफ्टर ट्वेंटी वीक्स तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है सेवंथ क्वेश्चन का दैट इज सी पार्ट वन एंड थ्री इसका राइट है ठीक है वन एंड थ्री सेकेंड स्टेटमेंट गलत है तो क्या बोलते है मेडिकल टर्मिनेशन बेसिकली ये जो है अबॉर्शन से रिलेटेड है इन इंडिया अंडर द एम टी पी एक्ट अबॉलिशन अबॉर्शन इज ए क्वालिफाइड राइट ठीक है ये क्वालिफाइड राइट है अबॉर्शन कैन नॉट बी परफाउंड बेस्ड सोलली ऑन ए वुमेन्स रिक्वेस्ट सिर्फ वुमेन अगर बोले कि मुझे अबॉर्शन करवाना तो ये नहीं होता एंड इट कैन ओनली बी प्रोफाउंड बाय ए कैसेफ होता है अगर मेडिकल रजिस्टर जो डॉक्टर है मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर वो अप्रूव करे ठीक है कि हाँ तो ये बेसिकली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हेल्थ होता है कि अगर वुमन की हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर अगर डॉक्टर अप्रूव करता है तो तब प्रेगनेस तब अबॉर्शन होता है ठीक है इन केस द वुमेन हैड बीन प्रेगनेंट फॉर मोर देन ट्वेल्व वीक्स बट फॉर लेस देन ट्वेंटी वीक्स द ओपिनियन ऑफ टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर रिक्वायर्ड ठीक है तो अगर बीस हफ्ते से कम है प्रेगनेंसी तभी अबॉर्शन हो सकता है इसके बाद अबॉर्शन नहीं होगा हा अवर द अंडरलाइन कंडीशन रिमेन्स एंड अबॉर्शन इज परमिटेड ओनली ये कब परमिट होता है ओनली इफ कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी प्रजेस्ड ए सब्सटेंशियल रिस्क ठीक है वुमन्स लाइफ जो मदर है उसकी लाइफ को अगर थ्रेट है ठीक है सब्सटेंशियल रिस्क है प्रेगनेंसी के अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसको रिस्क है ठीक है उसकी लाइफ को तब प्रेगनेंसी होती है तब अबॉर्शन होता है और टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ अल्टरनेटिवली इफ़ द चाइल्ड डैट इज येट टू बी बॉर्न फेस सिमिलर सब्सटेंशियल रिस्क इन दैट इट वुड सफ़र फ्रॉम फिजिकल और मेंटल अब नॉर्मैलिटीज़ और मे बी सीरियसली हैंडीकेप्ड एंड अबॉर्शन मे बी अलाउड ठीक है ना अगर चाइल्ड की लाइफ को भी कुछ ऐसा होता है कि पता चल डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि इसकी कोई टांग नहीं है ठीक है जहाँ इसका इसका कोई हाथ नहीं है ठीक है इसका हाथ नहीं है टांग नहीं, नहीं है इस तरह की कोई अगर सीरियस कंडीशन है तो तब भी अबॉर्शन परमिट हो जाता है ठीक है इन केस ऑफ प्रेगनेंसीज कॉज्ड बाय रेप और फेलियर ऑफ बर्थ कंट्रोल फॉर मैरिड वुमेन द रिस्क टू देयर मेंटल हेल्थ इज एडमिशल ग्राउंड फॉर अबॉर्शन ठीक है रेप के केस में अबॉर्शन हो सकता है द प्रीमाइज ऑफ कीपिंग द विंडो विंडो फॉर अबॉर्शन ओपन ओनली अनटिल ट्वेंटी वीकट जनरली अब नॉर्मैलिटीज़ कैन बी डिटेक्टेड बाई डैट टाइम ठीक है बीस हफ्ते का टाइम क्यों रखा हुआ कि बीस हफ्ते के बाद अबॉर्शन नहीं होगा वो इसलिए रखा गया हुआ है कि बीस हफ्ते से पहले पहले अगर बच्चे में कोई अब नॉर्मेलिटी है जब मदर की लाइफ को खतरा है मदर ठीक नहीं है उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो बीस हफ्ते से पहले पहले पता चल जाता है डैट्स वाई अबॉर्शन के लिए परमिट किया जाता है बीस हफ्ते से पहले ही तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पेपम रिजर्व फॉरेस्ट ठीक है पैपन रिजर्व फॉरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बाइल्ड बर्ड एंड बायोडावर्सिटी एरियाज इन असम पाके टाइगर रिजर्व लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इन अरुणाचल प्रदेश तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है सेकेंड बी ऑनली ठीक है ये गलत है तो ये देखते हैं ऐसे है पेपन फॉरेस्ट रिजर्व पैपम रिजर्व फॉरेस्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडावर्सिटी एरिया इन अरुणाचल प्रदेश में ठीक है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन टू आई बी एज ईटानगर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द ईस्ट एंड पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द बेस्ट बेस्ट और पाके टाइगर रिजर्व जो है लाइज इन द फूट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इन द ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इट फॉल्स विद इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडावर्सिटी हॉट स्पॉट कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज आई यूसीटस तो इसका हमें देखना पड़ेगा रेथ हॉर्नबिल एंडेंजर स्पीशीज इसको हमें फॉलोइंग करना है uh, रिफोज नेक्ट हॉर्न व्हील एंड ओरिएंटल और पैड हॉनवील वनरेबल तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है सी ऑनली है सिर्फ टू सेकेंड वाला ये बस राइट करेक्टली मैच्ड है ठीक है तो जो रेस्ट हॉर्नबिल हॉनविल है इट इज़ ए स्पीशी ऑफ हॉर्नबिल फाउंड इन फॉरेस्ट फ्रॉ फ्राम फ्रार नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड भूटान नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और भूटान में ये स्पीशीज पाई जाती है ईस्ट एंड साउथ थ्रू मेन लैंड साउथ ईस्ट एशिया एंड द ग्रेट ग्रेटर सुंदाज इन इंडोनेशिया एक्सेप्ट सोलावेसी तो इसका आई यूसी स्टेटस जो है वर्नरेबल है ठीक है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल इट इज़ कॉन्सिडर टू बी अमंग द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन ऑफ द एशियटिक हॉर्नबिल्स ये सबसे स्मॉलेस्ट है ठीक है एशियन हॉर्नविल में से इट हैज द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन द जीनस एंड इज फाउंड इन द कहाँ पाया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड थ्रू आउट द साउथ ईस्ट एशिया पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो जा पाया जाता है ठीक है और इंडिया में पाया जाता है फिर इट्स नेचुरल हैबिटेट इज सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल मॉइस्ट लो लैंड फॉरेस्ट यहाँ पर पाया जाता है और आई यू सी एन स्टेटस की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न है फिर आता है रिफर्ज नेक्ड हॉर्नबिल इट इज ए स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इस्पेली इन अरुणाचल प्रदेश कहाँ पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में इंडियन सब कॉन्टीनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया में इट इज़ लोकली एक्सटेंट इन नेपाल नेपाल में से एक्सटिंट हो चुका है ड्यू टू हंटिंग एंड सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ हैबिटेट और आयू स्टेटस जो अगर देखा जाए तो उसका वर्ल्नरेबल है तो चलिए टेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन एडी गैलोज नाइशी एंड टैगिन आर एथनिक ग्रुप्स आर कम्युनिटीज बिलोंगिंग टू इन कम्युनिटी ठीक है तो इसका फ्रेंड्स आंसर जो है टेंथ का ए पार्ट है अरुणाचल प्रदेश ये कहाँ पर पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में चलो गैलोज आर वन ऑफ द ट्वेंटी सिक्स मेजर कम्युनिटीज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड डोमिनेट वेस्ट सियांग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वेस्ट सियांग में अरुणाचल प्रदेश में लेपाल राडा एंड लोअर सियांग डिस्ट्रिक्स दे हैव ए बिग पॉपुलेशन इन ईस्ट सियांग ईस्ट सियांग में इसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है अपर सुबन एंड नामसाई डिस्ट्रिक्ट में भी ठीक है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इसकी द नईसी कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अरुणाचल प्रदेश ठीक है लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है द टैगिन ऑफ आर वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन मेम्बर ऑफ द लार्जस्ट डेजिनेशन ऑफ टैनी ट्राइब्स टैगिंग क्या है आर नॉन फॉर देर वार्म हॉस्पिटेलिटी ठीक है एंडर कॉन्सिडर्ड वेरी फ्रेंडली इन नेचर एंड ऑल्सो प्योर हार्ट बहुत ही साफ दिल के लोग होते हैं ये टैगिन द एडी पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स इन अरुणाचल प्रदेश ठीक है ये अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ठीक है <coughs> तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग तो फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस डे की आपके बहुत बहुत ही शुभकामनाएं ठीक है, है तो चलिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें तो जैसे ही मेरे ट्वेंटी सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको एक टेन का गिवा दे दूँगा तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स